इन मजदूरों का दर्द जानकर आपकी आंखें नम हो जाएंगी। चीन से आई महामारी से पूरे देश में हड़कंप मचा हुआ है। घर में बैठना ही सिर्फ बचने का एकमात्र रास्ता है, लेकिन दिहाड़ी मजदूरों के पास अब वहाँ कोई छत नहीं जहाँ ये कल तक कमाते और खाते थे। इन प्रवासी मजदूरों की रोजी रोटी छिनने के बाद अब ये हजारों किलोमीटर का सफर साइकिल से तय करने के लिए मजबूर हैं, लेकिन साइकिल से भी सफर करने में इनको तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे ये सभी साइकिल सवार दिहाड़ी मजदूर हैं, जो कि बिहार के रहने वाले हैं। ये सभी मजदूर बिहार से गुड़गांवा दिहाड़ी मजदूरी करने के लिए अपने घर से गए हुए थे, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से लगे लॉकडाउन ने इनके सपनों को तोड़ कर रख दिया। बावजूद इन मजदूरों ने हिम्मत नहीं हारी। गुड़गांवा में मजदूरी करने के बाद मिले पैसों से लॉकडाउन में अपना गुजारा किया, लेकिन पैसे खत्म हो जाने के बाद इन्हें अपने घर की याद सताने लगी। जैसे तैसे फोन पर बात कर अपने घर वालों से नई साइकिल लेने के लिए खाते में पैसे डलवाए। चारों मजदूरों ने 4,000-4,000 रुपए की नई साइकिलें खरीदी। शुक्रवार की सुबह 3 बजे अपनी नई साइकिलों पर सवार होकर चारों मजदूर घर की राह पर चल दिए। गुड़गांवा से बिहार के लिए निकले मजदूरों को रास्ते में हरियाणा उत्तर प्रदेश की सीमा पर तैनात पुलिसकर्मियों और अधिकारियों की डांट फटकार का शिकार होना पड़ा, लेकिन लॉकडाउन में सीमाओं पर सख्ती के कारण सब कुछ जायज था। इन मजदूरों की आंखों में मजदूरी करके अपना और अपने बच्चों का पेट पालने के अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। इन सभी मजदूरों का कहना था कि लॉकडाउन में हम सभी देश के साथ हैं, लेकिन मजबूरी की वजह से उन्हें घर जाना पड़ रहा है, क्योंकि घर जाने के अलावा और कोई भी चारा नहीं है। सुनील जी, आप भी मतलब कहाँ के रहने वाले हो? बिहार के रहने वाले। बिहार के रहने वाले। जी। कैसा लगा आपको, लग रहा है मतलब आपको मतलब आगे क्या कहना चाहते हैं? हम यही कहना चाहते हैं, जो 3 तारीख के भी बोल रहा है जो कम चांस है, इसी यही डर की वजह से 1 महीना से तो पैसा मंगा के घर से खा लिए। अब 1 महीने के बाद नहीं चला चला तो कुछ ले दे के घर से भेजा है, तो साइकिल उकिल बनवा के हम लोग जा रहे हैं। जी, घर से पैसा मंगवाए। अपने ही पैदल साइकिल बनवाई? जी। कितनी साइकिल बनवाई आपने? जी, हम लोग 4 बंदे हैं, 4 साइकिल बनाए। 4 बंदे, 4 साइकिल नहीं बनाए, कितने पैसे होंगे? जी, 4,000 के बनाए। 4,000 के। जी, ये साइकिल दिल्ली में बनवाए, गुड़गांव से। जी, अभी तो आज 3 बजे सुबह चले थे। 3 बजे सुबह चले? जी। आपको रोका नहीं रास्ते में? रोका है, यहाँ चौक में मारने के लिए धेराया हो रहा है। फिर बोलता आप बोले जी आप इतना दूर वापस भी नहीं जा सकते हैं, जेल में डाल दीजिए। बोला 5 मिनट के बाद एक एक करके निकल जाओ। परिवार सर बिहार है गाड़ी। जी, जयराम कुमार सोनी। कहाँ के रहने वाले हो? हम बिहार का। बिहार के कहाँ से आ रहे हैं? गुड़गांव से आ रहे हैं। पूरा जगह रोक रहा था। खा गड़े भी है सर, क्या कर सकते हैं, जाना पड़ रहा है, मजबूरी में जाना पड़ रहा है। क्या काम करके बिहारी करते थे? हाँ जी, रोड पर रहते थे। फिर पैसे खत्म हो गया, जाना पड़ रहा। वहाँ जब से लॉकडाउन हुआ तब से वहीं रुके थे। हाँ, जब नहीं कोई चारा था जो हम लोग निकलना पड़ा। नहीं तो बिल्कुल बॉर्डर की सीमा बिल्कुल सही की हुई है सभी जगह की, तो उसके बाद मतलब तुम लोग यहाँ पर आ रहे हो क्या? हाँ, तो उसके बाद तो जाना पड़ेगा। क्या तो हमको तो बिहार जाना है। बिहार जाना है साइकिल से ही? हाँ जी। मतलब कितने लोग हो आप लोग? हम लोग तो 4 लोग है बस। 4 लोग है? हाँ जी। तो और भी लोग हैं पीछे से? पीछे से और लोग नहीं है। 4 लोग हैं? हाँ जी।